Okay, we are studying about the difference in the growth of unicellular and multicellular organism. Okay, तो किस प्रकार की ग्रोथ होती है हमने देखा. द ग्रोथ इन प्लांट्स इज इनडेफिनाइट बट द ग्रोथ इन एनिमल इज टेकिंग प्लेस अप टू द सर्टन एज ऑफ देयर लाइफ. और कोई डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ में? यस. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ है. द ग्रोथ इन सीयर द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इन प्लांट इज नॉट फिक्स. इट इज नॉट प्रीफिक्स. ये प्रीफिक्स नहीं होती है. बट द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इन एनिमल इट इज प्रीफिक्स. इसका मतलब क्या है? एनिमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उस एम्ब्रियो में ओके फोर लिम्स कहाँ होने चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होना चाहिए, हेड किस रीजन में होना चाहिए, हिंड लिम्स मीन्स पैर कहाँ होने चाहिए, थोरेसिक कैविटी थोरैक्स कहाँ होना चाहिए, छाती एब्डोमेन कहाँ होना चाहिए. ये जो एक्सियल डेवलपमेंट है ये एक्सियल डेवलपमेंट फिक्स होती है कहाँ पर, कहाँ, इन केस ऑफ एनिमल. बट सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट प्रीफिक्स इन प्लांट्स. और प्लांट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होते हैं इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ बायोटिक फैक्टर लाइक लाइट. ओके, शूट वहीं पर ग्रो होता है जहां पर लाइट है, उसी की ओर शूट ग्रोथ होता चला जाता है. मगर एनिमल्स में प्रीफिक्स प्लान होता है बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ का, और उसी दिशा में एनिमल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट जारी रहती है अप टू सर्टन एज. मगर प्लांट्स का ऐसा नहीं होता. प्लांट की जो ग्रोथ है इट इज नॉट प्रीफिक्स, इट इज गेट अफेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स. ओके, तो ये था द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसे नोट डाउन किया आप सभी ने? ओके, देन द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने आपको बताया. द ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज द एक्सक्लूसिव इवेंट. यानी ग्रोथ यानी सिर्फ ग्रोथ ही होती है कहां, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसीलिए हम इसे एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं. एक्सक्लूसिव इवेंट मींस अगर हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों दोनों के दोनों आएंगे क्या? नहीं, या तो हेड होगा या फिर टेल, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी. ओके, इजंट इट, जब हम टॉस करेंगे तब हेड आएगा या फिर टेल, दोनों के दोनों एक ही समय आ सकते हैं क्या? नहीं. तो इसी को हम एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ होती है दैट इज द ओनली ग्रोथ नॉट द रिप्रोडक्शन. बट एनिमल्स सॉरी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी ग्रोथ यानी रिप्रोडक्शन का ही एक हिस्सा होता है. ओके, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट. ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ. ओके, तो देखिए ग्रोथ को हमने डेफिनेशन दिया है, फिर बाद में डिफरेंस इन प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ, डिफरेंस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड थर्ड वन इज डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ग्रोथ. क्या डिफरेंस होता है? सी यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सी द ग्रोथ इन लिविंग थिंग इट इज नोन एज इंट्रिंसिक. ओके, जो लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होती है इट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ. इसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. ओके, इंट्रिंसिक ग्रोथ. बट द ग्रोथ इन नॉन लिविंग थिंग इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. इसका मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ? ओके, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है? ओके, सी हियर, इंट्रिंसिक ग्रोथ मींस इंटरनल ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मींस
the external growth. Intrinsic growth का meaning क्या होता है? Intrinsic growth इसका मतलब है शीयर. तो बच्चों एक example देते हैं आपको. This one is the cell. ये एक cell है, okay? और cell के nucleus में what is this? The genetic material in the form of DNA. और ये क्या है? This one is the cytoplasm. Cytoplasm and nucleus. Cytoplasm contain different cell organelles. Nucleus contain the genetic material. ये सभी living system को हम protoplasm कहते हैं. इस सभी को हम क्या कहते हैं? Protoplasm कहते हैं. Okay? तो अगला point, next point ये है. इस सेल का जब डिवीजन हो जाता है तब इस सेल का जब डिवीजन होता है दो डिफरेंट सेल्स में तब क्या होता है? देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए एंड साइटोप्लाज्म. डीएनए और साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, यहां पर अगर सपोज क्रोमोसोम 4 है तो यहां भी दोनों के दोनों सेल में 4 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे. ओके, इस सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनका भी यहां पर शेयरिंग होगी दोनों सेल में इक्वली. ओके, तो लिविंग थिंग्स में सीयर ये जो लिविंग थिंग है इनकी जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है इसका मतलब क्या है? Extrinsic growth, it means the increase in the protoplasm. Okay, increase in the quantity of protoplasm during cell division. Okay, isn't it? तो ये जो DNA का duplication होता है, DNA का replication जो होता है वो और सारे जो cell organelles है इनका भी जो duplication होता है, that is the increase in what is meant by this, the increase in the quantity of genetic material and the quantity of cell organelle, it is the internal growth. Okay, ye hai internal growth. Acha, theek hai, is example ko fir se repeat karna hai. Okay, no problem. Theek hai beta. Okay, see here. तो what is meant by intrinsic growth? Intrinsic growth के लिए हमने आपको example दिया cell division का. इस सेल डिवीजन होने से पहले ये पेरेंट सेल है. इस पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड होना होता है. ओके, तो इस डिवीजन से पहले इस सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स इन दोनों सेल में जाने चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात, इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है, ओके, सपोज इसका क्रोमोसोम नंबर 4 है तो इन दोनों न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इस पेरेंट सेल में क्या होता है? इस पेरेंट सेल में देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनेल्स टेक्स प्लेस बिफोर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से पहले ही इस पेरेंट सेल के बॉडी के भीतर डीएनए रिप्लिकेशन होकर डीएनए की क्वांटिटी बचती है और साइटो बढ़ती है. ओके, और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होते हैं और फिर सेल डिवीजन होने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म होता है. ओके, ये कैसे होता है? ये सेल डिवीजन एक सेपरेट टॉपिक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करेंगे. ओके, तो आपको याद रखना है ये इंटरनल ग्रोथ कहलाती है. इंक्रीज इन द जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इट इज द इंटरनल ग्रोथ. इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ. ओके, इन शॉर्ट, इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में ये दोनों चीजें आ गई है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एज वेल एज यस द न्यूक्लियर मटेरियल. ओके, आप समझ में आया बच्चों? गेटिंग दिस पॉइंट, होप यू मैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, तो अगला पॉइंट, तो इस तरह की ग्रोथ होती है. ओके, लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होती है उसे हम
इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स ये इंटरनल ग्रोथ होती है. इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या है? यस, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म. द क्वांटिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होना, इसका मतलब क्या है? यस, देयर इज यस डीएनए रिप्लिकेशन एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. इसी को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बिफोर सेल डिविजन. चलो अगला पॉइंट. नॉन लिविंग थिंग में जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. कौन सी ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मीनिंग होता है द ग्रोथ ड्यू टू डिपोजिशन. ओके, द ग्रोथ ड्यू टू डिपोजिशन, इट इज नोन एज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम आपको देंगे, एक दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं बच्चों. ओके, जो माउंटेन्स है लाइक आवर हिमालय, हमारा जो हिमालय है इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में नजदीक आ रही है और एलिवेट अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है. तो ये कैसे है? दैट इज द ग्रोथ ड्यू टू द डिपोजिशन. इसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहेंगे. ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. ग्रोथ इन लिविंग नॉन लिविंग थिंग इज एक्सटर्नल ग्रोथ. ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसी को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. एंड दिस ग्रोथ इज टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर साइड, नॉट फ्रॉम इंटरनल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे के जो कोई माउंटेन है, सपोज वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केन स्फीयर, ये जो वॉल्केनो है, ये जो वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो का जो मैग्मा होता है, मैग्मा. ओके, मैग्मा. ओके, दिस मैग्मा आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शंस, दिस मैग्मा इट कम्स आउटसाइड, ये बाहर आता है. अब इसे हम कहते हैं लावा. एंड व्हेन दिस लावा इट डिपॉजिट्स ऑन दिस माउंटेन ऑन द सरफेस, ये क्या फॉर्म करता है? ओके, जब ये सरफेस पर आ जाता है लावा, देन व्हेन दिस लावा गेट कूल, देन द लेयर ऑफ लावा टेकिंग प्लेस. दिस लेयर ऑफ लावा इट इंक्रीज, इट डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉल्केनो. देन फिर से जब कभी भी और वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, तब फिर से जो मैग्मा बाहर आया है उसका लावा फिर से डिपॉजिट होगा और इसकी हाइट इस तरह से बढ़ती जाएगी. ओके, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लावा. ओके, इजंट इट? मैग्मा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद बाहर आ जाता है. ओके, और इसी को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे. देखिए इस तरह से एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. ओके, कहीं पर किसी जगह पर बोल्डर्स फॉर्म होते हैं. बोल्डर्स यानी क्या होते हैं? बोल्डर्स क्या होते हैं? ये जो बोल्डर्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों का इकट्ठा होना, उसे हम बोल्डर्स कहते हैं. बड़े बड़े पत्थर एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं. अब ये कैसे होते होंगे? ड्यू टू फ्लडिंग की वजह से. ओके, रिवर फ्लो की वजह से. रिवर की फ्लो से जो भी सैंड स्टोन्स वगैरह जो भी है, दे गेट डिपॉजिट्स एट पर्टिकुलर एरिया. ओके, सपोज यहां पर ये बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर जमा हुए हैं और इस बड़े बड़े पत्थर के आसपास में सीयर एयर के द्वारा बहुत सारी सॉइल सैंड पार्टिकल्स दे डिपॉजिट्स हियर. ओके, सैंड पार्टिकल्स ये क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं. नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या होता है डिपॉजिट होने के बाद? फिर से इस पर सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल डिपॉजिट होते जाते हैं और ये बोल्डर्स जो है ये इसका साइज बढ़ता जाता है. ओके, तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स, साथ ही साथ बोल्डर्स. ओके, साथ ही साथ स्मॉल माउंटेन्स, हिलॉक्स, ये जो सारी चीजें हैं ये डिपोजिशन से बनी हुई होती है. इसी को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, इसी को हम एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं, और यही ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में होती है. ओके, तो बच्चों, ग्रोथ में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स,
देन डिफरेंस इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हम आपको बताएंगे व्हाई द ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो बच्चों इफ वी कंसीडर द ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन बायोमास, देन डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ ग्रोथ टेक्स प्लेस इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन बायोमास होता है, तो दैट इज द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ओके, इजंट इट, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है. इसका मतलब है ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है. लिविंग में भी बायोमास सेल के भीतर इकट्ठा होता है, सेल के बाहर नहीं. ओके, सेल के भीतर. ओके, लिविंग थिंग्स में भी बायोमास सेल के भीतर इकट्ठा होता है, इसलिए इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. मगर बायोमास ऑफ नॉन लिविंग थिंग इट डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस, इसीलिए हम इसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ. इसीलिए अगर हम बायोमास, इंक्रीज इन बायोमास, अगर इस पॉइंट को अगर हम ग्रोथ कहते हैं, तो ये जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाई जाती है. इसीलिए ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इसीलिए ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज टेकिंग प्लेस इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट बच्चों ग्रोथ के बाद होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन इज अगेन द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. चलो रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों. इस चैप्टर पर हर साल मिनिमम वन क्वेश्चंस हर साल नीट में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है. इसीलिए इस चैप्टर पर जो जो हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स पर ओके लास्ट पॉइंट रिपीट करना है. ओके ओके, ठीक है. लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट कुछ इस तरह है, जो ग्रोथ है अगर हम इंक्रीज इन बायोमास कंसिडर करते हैं, तो ये जो बायोमास इंक्रीज होता है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है. ओके, डिपोजिशन. तो इसीलिए ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है. इसीलिए हम ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं. ओके, क्योंकि डिपोजिशन की वजह से जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग में होती है, वो एक्सटर्नल होती है. इसीलिए हम ग्रोथ को क्या मानते हैं, इसीलिए हम ग्रोथ को मानते हैं यस नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. चलिए अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है डिस्कस करते हैं. ओके, इसे हम ओके जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों मैथ्स का, ओके अभी 5 मिनट्स बचे हैं, उस 5 मिनट्स में हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के. ओके, तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए. सबसे पहला क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड.
ओके सीयर, तो इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये कैपेसिटी है लिविंग थिंग्स की, ओके या फिर एबिलिटी है लिविंग थिंग्स की, जिसमें वो अपनी तरह ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसी एबिलिटी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर रिप्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नोन एज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, यूनिसेल्यूलर, द ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? सीयर, सी द ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, जिस बच्चे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है वो फिर से एक बार बाहर जाकर एंट्री कीजिए। ओके ओके, हाँ हाँ, तो ठीक है सीयर, तो ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सी इनमें ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीयर, तो इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सीयर, सपोज दिस वन इज द बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल में देखिए, इस बैक्टीरियल सेल में एक बैक्टीरियल सेल के दो बैक्टीरियल सेल हो गए हैं, डॉटर सेल्स, और इन दोनों में डिविजन हुआ है। अब इन दो के क्या हो गए हैं? फोर सेल्स। ओके, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो ये जो हो रहा है ये ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है? ओके, तो बताइए ये ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है? ओके, वेदर इट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ओके ओके, हर्षली ने जवाब दिया है। ओके, ऋषभ ने भी दिया है। ओके शाबाश, ठीक है। तो बच्चों सीयर, तो ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अब यहां पर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट इज नथिंग बट देयर ग्रोथ। ओके इजंट इट, यही रिप्रोडक्शन भी है और यही क्या है, ग्रोथ भी है। समझ में आ बच्चों, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन इट इज सिनोनिम फॉर द ग्रोथ। क्वेश्चन पूछा गया है, इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच। सीयर, तो जो ग्रोथ होती है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, वही रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ होता है। इसका मतलब वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, पैरामेशियम, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इट इज द सिनोनिम फॉर ग्रोथ। ओके, इट इज द सिनोनिम फॉर ग्रोथ। ओके, देन व्हाट अबाउट मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन होती है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द ग्रोथ। ओके, रिप्रोडक्शन इट इज डिफरेंट देन द ग्रोथ इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, इट इज द एक्सक्लूसिव ग्रोथ। देयर रिप्रोडक्शन इट इज नॉट द इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इट इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन यानी ग्रोथ नहीं होता। इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट द सिनोनिम फॉर ग्रोथ, बट इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज द सिनोनिम फॉर ग्रोथ। ओके इजंट इट, तो बच्चों ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। अब कुछ मल्टीसेल्यूलर सी और कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है
जिनमें रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, जैसे बाइनरी फिशन इन एमीबा, बाइनरी फिशन इन एमीबा, ओके, बाइनरी फिशन इन एमीबा, देन मल्टीपल फिशन अगेन इन एमीबा, सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया, ओके, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर अल्गी लाइक क्लोरेला, क्लोरेला ये यूनिसेलुलर अल्गी है और इस अल्गी में सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल और सेक्सुअल ये दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ओके, तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमें कुछ टिपिकल पॉइंट डिस्कस करने हैं प्रिमिटिव और एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि इन केस ऑफ, वेरी गुड, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ओके, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स है, इन ब्रायोफाइट्स में एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा, इट इज द असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो प्रोटोनेमा है ये क्या होता है, ये हम प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे, ओके, तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटोनेमा इट इज द पार्ट फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ फंजाई, फंगस, ओके, जो फंजाई है, फंगस है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स, ओके, असेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि आपको पता होगा लाइक दिस, आप इसे जानते हो, इट इज द म्यूकर, ओके, इस म्यूकर में यहां पर आपको पता है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ओके, ये बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स जब रिलीज किए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में इसी स्पोर से न्यू म्यूकर फॉर्म होता है, ओके, तो इसे हम असेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। इट इज द कॉमन रिप्रोडक्शन, द स्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, इट इज वेरी मच कॉमन इन फंगस, फंजाई, ओके, अगला पॉइंट, ओके, लास्ट बट वन पॉइंट बच्चों, सी, तो इन केस ऑफ फंगस एज वेल एज इन अल्गी द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय देयर स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स, ओके, असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इट इज द वेरी कॉमन इन अल्गी एंड फंजाई, ओके, अल्गी और फंगस में असेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन होगा, ये बहुत ही कॉमन थिंग है, ठीक है, तो नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नोन एज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फिर भी ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, ओके, ये क्यों है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं और इस एग्जांपल्स में हम आपसे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो ही इसका जवाब होगा, सी, फॉर एग्जांपल, म्यूल, म्यूल फीमेल हनीबी, म्यूल फीमेल हनीबी, डिफरेंट सिंड्रोम्स इन ह्यूमन बींग, सी हियर, म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं, खच्चर कैसे 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 फॉर्म होता है, फीमेल हॉर्स क्रॉस विद मेल डोंकी, ओके, फीमेल हॉर्स को मेल डोंकी से अगर क्रॉस किया जाए तो म्यूल फॉर्म होता है, एंड दिस म्यूल इट इज सेक्सुअली स्टराइल, ये फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहता,
mule, it does not have the capacity to reproduce. Then second one example, female workers in honeybee. Okay, honeybee जो होती है, इनकी जो colonies होती है उनमें different different तरह के individuals होते हैं. Queen, male drone and female workers. उनमें से जो female workers होते हैं, these diploid female workers, they are sexually sterile. They do not take part in sexual reproduction. Okay, यानी all the individuals of honeybee, they are not able to perform sexual reproduction. Therefore, reproduction is non-defining capacity. हमने आपको पहले ही बताया था introduction में, non-defining reproduction क्यों है? क्योंकि ऐसा 100% है क्या कि सभी individuals sexual reproduction या asexual reproduction करते ही है? नहीं, it is not possible in some cases. Like mule, mule it is sexually sterile, it is not able to reproduce. Female worker honeybees, they perform their work only of collecting the nectars, but they are not able to perform sexual reproduction. Then kuch human beings bhi hote hain, okay, kuch human beings, sabhi human beings sexual reproduction kar sakte hain kya? Nahi. कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि डाउन सिंड्रोम. ओके, डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन. देन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ओके, सुपर फीमेल, ओके, वगैरह वगैरह. तो बच्चों, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम्स है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम्स वाले जो ह्यूमन बींग्स है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन. इसीलिए रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? बिकॉज all the individuals of the species, they are not definitely perform the sexual reproduction. For example, mule, female workers in honeybee, and some important syndromes in human being. These are the examples of different individuals of their species that are not able to perform the sexual reproduction. इसीलिए reproduction, it is a non-defining characteristic. आपको एक बात याद रखनी है, reproduction इसीलिए non-defining नहीं है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी living things के जितने भी species है, सभी की species के जो भी सारे के सारे individuals है, वो reproduction करते ही है, ऐसा नहीं है. इसीलिए reproduction is a non-defining characteristic. Okay, बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं. आप सभी को हम आज 10-15 क्वेश्चन जो है वो हम आपको ऑनलाइन भेजेंगे. ओके, गूगल ड्राफ्ट आपको सेंड किया जाएगा, और उसमें से जो भी बच्चे हैं, ओके, उन्होंने अपने ईमेल आईडी डालकर उसे सबमिट करना है. ओके, ऐड कीजिए अपना ईमेल आईडी और उसे सबमिट कीजिए, और आपके मार्क्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे. आज के जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, इसे याद रखिए. ओके, नोट डाउन कीजिए. साथ ही साथ जिन बच्चों को यहाँ पर जो क्लियर वॉइस नहीं आ रहा होगा या स्क्रीन बीच में डगमगा रही होगी, तो ऐसे बच्चों के लिए हम आज के जो लेक्चर है उसे भी यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करेंगे आप सभी के लिए. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए. ओके, थैंक यू.